हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हमारे पास है जी लग्जूरियस स्लीपर ट्रेन में लंच रेस्टोरेंट और ऑन व्हील्स हेरिटेज ट्रेन। तो जी व्लॉग हमारे पास भाई मोइन इनसाइड। तो ओरिजिनल मोइन इनसाइड हिट भी साथ लगाते हैं। अच्छा, हिट क्यों लगाते हैं? वैसे हिट हो भाई आप। अच्छा, इनको पता था मैंने हिट हो जाना है साथ मोइन इनसाइड हिट। चले देखें, अभी दूसरे सेक्शन में आ गए हैं। देख लो, यहाँ पे कुछ ऐसा ट्रेन है, पर वैसे आप बोल सकते हैं लग्जरी स्लीपर ट्रेन है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक और नए व्लॉग में। और देख लो जी, आज का जो व्लॉग का शुरुआत हो रहा है हमारे घर से हो रहा है। घर पे सोकर उठने का ना बात ही अलग है, खास करके एक ऐसे ट्रैवल ब्लॉगर का जो आधा से ज्यादा टाइम बाहर ही रहता है। जब भी मैं ऐसे सुबह सोकर उठता हूँ ना, तो माइंड में यही चलता है कि होटल एक्सटेंड करवाना है, या फिर बिल क्लियर करना है, या फिर दूसरा होटल देखने जाना है। तो ये सब चीज दिमाग में चलते रहता है कभी कभी, इसलिए मैं जल्दी उठ जाता हूँ। फिर ध्यान आता है कि नहीं, अभी तो मैं घर पे हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ, फिलहाल अभी मैं घर पे हूँ, बस कुछ ही दिन फिर वापस से मुझे निकलना है बाहर। अभी भी काफी लोग मतलब गेस नहीं कर पाए, काफी लोग तो बोले बांग्लादेश, तो नहीं, बांग्लादेश जाना है मुझे, लेकिन अभी नहीं जाना है। मैंने बताया 6-7 महीने बाद में जाऊंगा वहां। अभी मैं जहाँ जा रहा हूँ ना, एक और हिंट दे देता हूँ मैं, वो जो कंट्री है इंडिया से 2.5 घंटे आगे चलता है। अब आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा लो। बाकी वैसे आज मैं काफी जल्दी सोकर उठ गया था, और उठते ही अपना ब्रेकफास्ट हो रहा है, दिखाता है आज ब्रेकफास्ट में क्या है। देख लो जी, यहाँ पे मैं खा रहा हूँ मखाना। मुझे मखाना खाना ना बहुत अच्छा लगता है, और खास करके उसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल करके, ओहो हो, बहुत ही टेस्टी लगता है। बाकी कोलकाता में भी अभी अच्छा खासा गर्मी आ चुका है, सुबह सुबह इतना तगड़ा धूप आ गया है ना, क्या बताऊं मैं। हाँ जी, तो अभी ले लिया हम लोगों ने ऑटो। मैं वैसे काफी देर पहले बाहर आ गया था, एक्चुअली बैंक गया था वापस से स्टेटमेंट निकालने के लिए। स्टेटमेंट तो देखो मैं खुद से भी निकाल सकता हूँ घर पे, लेकिन वो जो बैंक वाले का साइन वाला जो सीन रहता है ना, वो अटेस्टेड करवाना पड़ता है ना स्टैम्प के साथ साइन, उसके लिए हम लोग गए थे। तो काम अपना हो चुका है, वही अभी हम लोग निकल गए हैं। देखते हैं कोई बढ़िया सलून दिख गया तो सबसे पहले तो हेयर कट लेते हैं, और फिर एक कमाल के रेस्टोरेंट को भी कवर करना है, वो भी करते हैं। ये ऑटो ले लिया है अभी हम लोगों ने, और जब भी बैंक हम लोग जाते हैं ना, तो ट्राई करते हैं स्कूटी ना ही लेके जाए, क्योंकि बहुत दिक्कत होता है पार्किंग वगैरह खोजने में, इसलिए 10 रुपया दो आराम से निकल जाओ। तो अभी आखिरी बार ये मेरा हेयर स्टाइल देख लो आप लोग, लॉन्ग हेयर। अब टाइम आ गया इस लॉन्ग हेयर को बाय बाय बोलने का। ये वाले मोहित को अभी के लिए बाय बाय बोलते हैं, और पुराने वाले मोहित को वेलकम करते हैं। लो जी, मिल लो पुराने मोहित से। हेयर कट फाइनली मैंने ले लिया है, और लुक देखा आपने, लवली तो बोल रही है पहचान में ही नहीं आ रहा, बट हमें तो आदत है ना देखने का। मतलब मम्मी और लवली दोनों ही पागल करके रखे थे, हेयर कट लो, हेयर कट लो, हेयर कट लो, तुम पे बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है। हम बोले यार अपना खेती है, कभी भी ले लेंगे। तो बताना आप लोग कमेंट सेक्शन में, ये वाला हेयर अच्छा लग रहा है कि वो पहले वाला ज़्यादा अच्छा था। तो यहाँ पे अभी हम लोग अवनी मॉल के ना फूड कोर्ट में आ गए हैं। अभी बहुत मन कर रहा था केवेंटर्स का ये अल्फांजो पीने का, भाई मजा आता है इनका। एक इनका तो अच्छा होता ही है, केएफसी में भी ना बहुत पहले मिलता था अल्फांजो, जो उनका क्लस्टर सब आता था ना, लेकिन पता नहीं अभी वो रखते ही नहीं है, कोविड के बाद से शायद बंद हो गया। जहाँ तक वो मैंने एक बार पूछा भी था आप क्यों नहीं रखते हो, तो बता रहे थे कोविड से ही बंद हो गया। अभी वापस से शायद आने वाला था या आ गया, क्योंकि बहुत दिन हो गया ना केएफसी में गए हुए, पता नहीं मेरे को। फिलहाल अभी अपना ये केवेंटर्स एंजॉय करते हैं, और अभी यहाँ से निकलते हैं, जा रहे हैं वो कमाल के लोकेशन में, इसके लिए आप लोगों ने वीडियो पे क्लिक करा है। चलो जी, अभी अपने मेन लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, जो कि है रेल म्यूजियम। पहले तो म्यूजियम के अंदर एंटर करने का एंट्री टिकट लेते हैं, फिर उसके बाद अंदर जाते हैं। एंट्री टाइम वैसे देख लो सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक ओपन रहता है ये, लेकिन मॉर्निंग वॉक में सुबह 5 से 8 के लिए भी ओपन रहता है। एंट्री फी देख लो 30 रुपए एडल्ट का है, और मॉर्निंग वॉक में अगर आप तो 10 रुपए, और मंथली पास में मिल जाएगा अगर आपको डेली मॉर्निंग वॉक के लिए आना है तो 200 रुपए करके। चलो एंट्री करते हैं, 30 रुपए निकाल के रखते हैं। ये जो देख रहे हो ना इंपीरियल किचन, अ फाइन डाइन रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स, यही जा रहे हैं हम लोग। तो ये देख लो जी, अंदर जाने के लिए ये टिकट ले लिया हम लोगों ने, आपको देना है। तो टिकट यहाँ पे ले लिया इन्होंने, और अंदर में ये म्यूजियम है, मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया हुआ था, लेकिन अभी जिस चीज के लिए आए वहाँ चलते हैं। तो बाहर से देख लो अपना जो ट्रेन रेस्टोरेंट है ना, कुछ ऐसा दिखता है, अंदर से आपको दिखाते हैं। चलो जी, फाइनली मैं ट्रेन रेस्टोरेंट के अंदर आ गया हूँ। रेस्टोरेंट का नाम मैंने आपको बताया था ना, कुछ इंपीरियल किचन था, लेकिन हमारा बैड लक देखो, जिस टाइम हम लोग आए ना लाइट्स वगैरह कुछ भी नहीं है, अभी तो बोल रहे हैं प्रॉब्लम है लाइट्स का ना। और अंदर से देख लो अपना ये जो ट्रेन रेस्टोरेंट है ना, कुछ ऐसा दिखता है, लाइट्स रहता तो और भी अच्छा लगता है। मैंने फोटोज चेक करा था, हम लोगों को भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन का याद आ रहा था, याद है, पूरा वैसे ही है ना अंदर में, लेकिन यही है वहाँ का, वो पूरा नीचे रेड कारपेट बिछा हुआ था। तो वन ऑफ द बेस्ट जर्नी था मेरा वो भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन का, पूरा मैंने सीरीज बना के रखा है, जाके चेक कर लेना। और वैसे आप बोल सकते हो लग्जरी स्लीपर ट्रेन है, जिसमें एसी भी मिलता है आपको, लेकिन यही है लाइट्स अभी नहीं है, तो थोड़ी देर में आएगा तो दिखाएंगे लाइट्स वगैरह ऑन करके अंदर से कैसा दिखता है। बाकी ये अंदर इनका मेन्यू है देख लो, वेजिटेबल सैंडविच,
प्राइस देख लेना, प्राइस तो ठीक ही लग रहा है मेरे को। तो देखते हैं क्या ऑर्डर कर सकते हैं, कुछ बढ़िया ऑर्डर करते हैं तो मंगाते हैं। बाकी आप लोग वीडियो को पॉज करके प्राइस देख लेना। और मेरे को ऐसा लगता है ना, इसके जगह वो ट्रेन का जैसा सीट होता है ना वैसा लगा देंगे, ये ऐसा भी चलेगा, इनका ऐसा चलेगा, बट चेयर थोड़ा सीट के जैसा, वो जो ब्लू रंग का जो होता है ना ट्रेन का। बाकी अभी भी देख लो कोई लग्जरी ट्रेन से कम नहीं लग रहा है ये, बस लाइट्स आ जाता ना क्या लगता है अंदर से बॉस। बाहर से तो मैंने दिखाया, बाहर से उतना खास नहीं है, बाकी अंदर से तो बहुत मस्त है ये। ऑलराइट, तो अभी हम लोगों ने जो ऑर्डर करना था ऑर्डर कर लिया है, लेकिन एक चीज़ क्या है ना, इनके पास मेन्यू तो है लेकिन मेन्यू में कोई भी आइटम अवेलेबल नहीं है। अभी मैंने पूछा आपके पास लाइम सोडा है, तो बोले वो नहीं है। फिर मैंने पूछा ग्रिल्ड सैंडविच है, उन्होंने बोला वो भी नहीं है। फिर मुझे खाना था मिक्स सॉस पास्ता, उन्होंने बोला ये भी नहीं है। मैं बोला होगा क्या पहले ये बता दो। फिर उन्होंने बताया कि बस चाइनीज़ में फ्राइड राइस और ये चिली चिकन ये सभी हो जाएगा। तो मैंने फ्राइड राइस बोला और एक चिली पनीर बोला। आज पनीर खाने का बहुत मन कर रहा था इसलिए। और बता रहे थे कि इनके पास कोई लड़का भी नहीं है जो ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे फिर ये रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। अगर एक बगल में फैमिली बैठी हुई थी, वो अभी झगड़ रहे थे, वो बोल रहे थे कि लास्ट टाइम भी आए थे तो बिजली नहीं था, अभी भी नहीं है। बाकी हम लोगों ने ऑर्डर तो कर लिया, वैसे मन बिल्कुल भी नहीं था फ्राइड राइस वगैरह खाने का। मेरा तो मन था पास्ता या फिर लवली का क्या था, इसको ग्रिल सैंडविच खाना था। मैं बोला चलो कोई नहीं खा लेते हैं, बस उनको दिखाना था इसलिए मैं आया था। अदरवाइज ये थीम रेस्टोरेंट वगैरह बस दिखने में ही अच्छा होता है, खाना बहुत रेयर ही होता है कि खाना अच्छा होता है। नागपुर रेलवे स्टेशन के बाहर से आता है जहाँ पे हल्दीराम का ट्रेन थीम रेस्टोरेंट है, वो तो अच्छा होगा। वैसे अंदर काफी लोग आ चुके हैं अभी, और ये हम लोगों ने देख लो फ्राइड राइस है, ठीक है। अंदर में हम लोगों ने फ्राइड राइस और चिली पनीर ऑर्डर किया है, देखकर अच्छा लग रहा है वैसे, और लग भी रहा है कि हाँ बढ़िया होगा खाने में। बस 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 थोड़ा ही थोड़ा ये लेते हैं चिल्ली पनीर। सर वीडियो बनाना मना है, पर आपके यूट्यूब चैनल है? जी जी, यूट्यूब चैनल का नाम बताइए। बहुत लोग तो बना रहे थे भैया, यहाँ पे है पर अभी हम लोग बंद कर दिए वीडियो बनाना। अभी आए थे वो बोल रहे थे कि यहाँ पे यूट्यूब वीडियोस बनाना बंद है। लवली ने बताया कि काफी लोगों का वीडियो हम लोगों ने देखा है, तो बोले कि नहीं अभी अलाउ नहीं है यहाँ पे बनाना। मैं बोला हम बना सकते हैं कि नहीं, बोले ठीक। अभी समझ में आ रहा ना, काफी लोगों ने जम के एकदम क्रिटिसाइज किया है, तभी ये यूट्यूब वीडियोस बनाना मना करते हैं। चलो देखते हैं कैसा। फ्राइड राइस तो अच्छा लग रहा है, लेकिन पनीर थोड़ा सा स्पाइसी लग रहा है, पता नहीं क्यों मेरे को देखने से लग रहा था। लेकिन सीरियसली बता रहा हूँ, फ्राइड राइस जो है इनका बहुत अच्छा है, पनीर भी अच्छा है, जिसको स्पाइसी पसंद है उनको तो अच्छा लगेगा। पनीर फ्रेश है, सबसे बढ़िया देख लो पनीर भी फ्रेश है, ये चीज अच्छा है। ये थोड़ा स्पाइसी है बस, नहीं अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मैं तो थोड़ा बहुत स्पाइसी खाता हूँ, बढ़िया लग रहा है। तो चलो फटाफट खा के निकलते हैं। आप अगर आ रहे हो तो यही ट्राई करना। लेकिन लवली को तीखा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मतलब पसंद क्या, खाती नहीं है तीखा। इधर की तरफ ना एक पाकिस्तान का भी ट्रेन रखा हुआ है, वो दिखाता है आपको। वैसे अंदर अगर आप आते हो ना तो टॉय ट्रेन भी चलता है, देख लो। बच्चों के साथ आ सकते हो टाइम पास वगैरह अगर आपको करना है यहाँ पे, तो रेस्टोरेंट भी है। पहले तो मुझे याद है, मैं पता नहीं बहुत साल पहले आया था, तब तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ना रेस्टोरेंट था ना टॉय ट्रेन था, मतलब टॉय ट्रेन होगा उस समय ऑपरेशनल नहीं था। और ये देख लो भाई, ईस्ट पाकिस्तान रेलवे। बाकी आप अगर इधर आते हो ना तो न्यू कॉम्प्लेक्स के साइड में आ जाना, और किसी से भी पूछना मेरे को जाना है रेलवे म्यूजियम, कोई भी बता देगा आपको। अगर आपके ट्रेन में टाइम है, ट्रेन लेट हो चुका है, स्टेशन पहुंच चुके हो, सामान क्लॉक रूम में रखो, राउंड लगा लो, टाइम पास हो जाएगा। यहाँ पे देख लो आसिफ लोग अपना नाम लिख चुके हैं, काफी लोग अंदर भी जाते हैं ना, इसलिए ऐसे तार लगा के रखा हुआ है ताकि कोई जाए ना अंदर। वो हावड़ा रेलवे स्टेशन का ना एक रेप्लिका टाइप का बनाया हुआ है, देख लो दूर में दोबारा पेंट हुई है, जैसा अपना हावड़ा स्टेशन बाहर से दिखता है ना। बाकी अच्छा है, रेस्टोरेंट में पहले बैठकर खाना खा लो, फिर थोड़ा सा वॉक कर लो, आपका वॉकिंग भी हो जाएगा, खाना भी हो जाएगा, खाना डाइजेस्ट भी हो जाएगा, स्टेशन जाते जाते फिर भूख लग जाएगा। और ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या है, ट्रेन है, बस है, क्या है? श्रीलंका में जब हम लोग थे ना, वहाँ पे हम लोगों ने एक देखा था ना, अशोक लीलैंड के बस को ट्रेन की तरह चलाया जाता है। फाइनली पहुंच चुके हैं हावड़ा रेलवे स्टेशन के पास, ये पीछे दिख रहा होगा आपको स्टेशन, और सामने की तरफ मुझे दिख रहा है वो टॉय ट्रेन का टिकट काउंटर, जो कि 30 रुपए पर पर्सन है। बाकी अपना आ ही रहा होगा टॉय ट्रेन, दिखाते हैं बढ़िया अराइवल शॉट, जैसे हम लोग लेते हैं ना स्टेशन वाला शॉट सब अपनी ट्रेन आ रही होती है तो। अनाउंसमेंट नहीं हुआ, फाइनली अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है हावड़ा जंक्शन। चलो अब अंदर से हावड़ा स्टेशन दिखाते हैं आपको, नकली वाला अंदर में, जिसको थोड़ा ये रेलवे वगैरह में इंटरेस्ट है वो आके टाइम पास कर सकते हैं अंदर,
काफी कुछ रखा भी हुआ है, देख लो अंदर की तरफ। तो देख लो अपना जो हावड़ा रेलवे स्टेशन है ना, वो दो सेक्शन में डिवाइड है। एक हो गया आपका ओल्ड कॉम्प्लेक्स, एक हो गया न्यू कॉम्प्लेक्स। जो ओल्ड कॉम्प्लेक्स है ना, वहाँ से जैसे दिल्ली, बिहार, कश्मीर, पंजाब, जयपुर, ये सब अगर आपको जाना है तब आप ओल्ड कॉम्प्लेक्स से जाओगे। जितना साउथ का ट्रेन सब होता है ना, मैक्सिमम ट्रेन वो जाता है न्यू कॉम्प्लेक्स से। बाकी ये सिग्नल वगैरह के बारे में बताया गया है, लीवर फ्रेम वगैरह। अभी दूसरे सेक्शन में आ गए हैं, देख लो यहाँ पे कुछ ऐसा ट्रेन है। ये क्या है? फर्स्ट क्लास चेयर कार कोच कंचनजंगा। पहले ऐसा होता था, देख लो चेयर कार कोच। वाह यार, ये सच में वो फर्स्ट क्लास वाला फील तो आ रहा है। अभी अब घर चलते हैं। एक्चुअली मम्मी फोन की थी, कुछ घर पे एक काम था, वो पाइपलाइन का। जो प्लम्बर हम लोगों ने बुलाया था ना, वो आ गए, तो फटाफट हमें घर पहुंचना होगा अभी। और एक चीज अच्छा है, देख लो अगर कोई व्हील चेयर से अंदर आ रहा है ना, तो उनके लिए भी जगह बना हुआ है। नॉर्मल सीढ़ी तो है ही। फाइनली अभी मैं घर आ गया हूँ। घर तो मैं कब का आ गया था, मैंने बोला ना वो प्लम्बर को मैंने बुलाया था। और आपने भी एक चीज नोटिस किया होगा, अगर आपके घर में एक काम लगे ना तो 10 काम याद आ जाता है। इधर उधर तब से चक्कर काट रहा हूँ, और इतना धूल मिट्टी गया है ना आंखों में, देख लो पूरा आंख मेरा लाल हो चुका है। खैर कोई नहीं, काम वैसे हो गया क्योंकि वैसे भी काफी कम ही रहता हूँ मैं घर पे, और ये सब जो काम है मेरे रहते ही मैं चाहता हूँ करवा लूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में। तो फाइनली सारा काम हो गया, और भी कुछ कुछ काम है, लाइट्स का काम है, वो लाइट वाला काम शायद कल करवा लूंगा मैं। फिलहाल यही था आज के ब्लॉग में, आपने देखा जो मैंने रेस्टोरेंट आपको दिखाया। और इसके अलावा एक और रेस्टोरेंट है, आपने देखा होगा वो वंदे भारत के थीम में बना हुआ है। वैसे भी मेरे सिस्टर ने उसको कवर किया था जब वो नया ओपन हुआ था। तो बाकी हाँ, इसका मुझे अंदर का इंटीरियर बहुत अच्छा लग रहा था, वो तो आप लोगों ने देखा ही वीडियो में। बाकी चलो ये वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो, ये जो नीचे सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके बाय बाय। हाँ जी, कैसा लगा? अच्छा, इस ट्रेन वाला जो मतलब था सीन, स्लीपर ट्रेन में रेस्टोरेंट, इसको अब कॉपी हो रहे हैं ना दूसरे लोग भी। अब पाकिस्तान में भी मैंने देखा है कि कुछ शहरों में, जैसे कि मुल्तान में, हम बात कर रहे थे वीडियो के दौरान कि हम जब मुल्तान गए थे तो वहां पे बन रहा था, तो हमने कहा था वाओ, हमने कहा वाओ यार कितना अच्छा आइडिया है ना। हमें ये नहीं पता था कि इंडिया में ऑलरेडी चल रहे हैं ऐसे ना, तो हमने कहा था यार ये, मुझे लगता है उन्होंने भी शायद कोई वीडियो देखा होगा ये इंडिया में, या उनके अपने माइंड में आया होगा शायद कुछ ऐसा भी यहाँ ट्रेन का कुछ करते हैं। डिसाइड कर रहे थे कि हमें भी इस तरह करना चाहिए, हम सोच रहे थे कि ऐसे अच्छा है वैसे ट्रेन की पूरी वो केबल लेके उसको बना रहे थे, वो तो अब बन गया होगा, तकरीबन बन गया होगा, काफी टाइम हो गया, मैं साल एक साल तो हो गया मेरे ख्याल में कि नहीं, आठ नौ मंथ हो गया तकरीबन, तब भी काम उसके ऊपर जारी था, बन रहा था। लेकिन अब दोबारा जब जाएंगे तो जरूर उस वीडियो को हम शूट करेंगे, खाना खाएंगे तो शेयर करेंगे आपके साथ। तो बाकी ये है कि बहुत बढ़िया था, बाकी ये कि टेस्ट के ऊपर भी होता है कुछ, लोकेशन कुछ इस तरह की उसकी लुक, और उसके साथ साथ अगर टेस्ट अच्छा है तो फिर तो भाई आप एक रेडी के ऊपर भी कुछ बेच रहे हो ना, तो आपका रश जो है वो नहीं टूटेगा। बाकी बढ़िया, और वो नया जो म्यूजियम सा बनाया हुआ था ना, हाँ वो ट्रेन, ये सारा ट्रेन के हवाले से म्यूजियम है, मतलब ट्रेन के जो शौकीन है, कुछ लोगों को बड़ा शौक होता है रेलवे का, ट्रेन का। मतलब मुझे जब मैं छोटा था ना तो मुझे काफी शौक होता था ट्रेन को देखना कि गाड़ियां जाती हैं, तो तब साइकिल बच्चे जो हैं कितने शौक से देखते हैं ट्रेन, हाँ जब ट्रेन आ रही होती सारा काम छोड़ के ट्रेन देख ही ट्रेन देख। मुझे याद है कि हमने ना मतलब साइकिल होती थी हमारे पास, बाइक तो मैं चलाता नहीं था, तो साइकिल में लेके निकलना तो रेलवे ट्रैक के पास जाके ना बैठ जाना, मतलब ट्रेनें देखते रहना जा रही हैं आ रही हैं ऐसे, मतलब जो टाइम होना ना, तो काफी मतलब होता है लोगों को। लेकिन अभी वो चीजें नहीं, जैसे जैसे बंदा बड़ा होता जाता है तो वो फिर समझ आती जाती बंदा को, बंदा कहता है यार ये क्या चीज है, ये तो एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन बच्चों के लिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है, हाँ वो ट्रेन अभी भी बच्चे छोड़ के सारा कुछ, अभी अभी हम ओवर ब्रिज जो है उसके ऊपर से गुजर रहे हो या फाटक क्रॉस कर रहे हो ना, तो रेलवे के नीचे से ट्रैक जब गुजरता है तो बच्चे उठ के ऐसे देखने शुरू हो जाते हैं, ट्रेन तो नहीं आ रही जैसे ही उधर से, मतलब ऐसी उनमें एक होती है, हाँ क्रेज होता है। तो चलें गाइस, ये था आज का वीडियो, कैसा लगा आपको कमेंट बिलो, एंड वी विल बैक अगेन विद अ न्यू लेटेस्ट वीडियो। सो फॉर नाउ गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।